Good morning dear students how are you i hope you all are fine and done your work properly in the previous lecture we done our types of coding and decoding and we done only four types of coding and decoding but we have five types of Coding and decoding. Firstly, we take a quick revision of that our types of coding and decoding. Okay. Our first type is number coding. That second is letter coding. Third one is symbol coding. Fourth, substitution coding. एंड फिफ्थ इज डेफरिंग कोडिंग ओके अब देखिए जो हमारा फर्स्ट टाइप है नंबर कोडिंग नंबर कोडिंग में बच्चे हमने क्या किया था कि नंबर्स का यूज करके ओनली नंबर्स का यूज करके हमने क्या किया था एक कोड डिफाइंड किया था और उसी कोड को इन दे ऑफ नंबर्स वी हैव दॉड एंड सेकेंड इज लेटर कोडिंग इन द लेटर कोडिंग वी यूज आवर अल्फाबेट्स एंड

दिया गया था इनको हमने क्या किया था एक कोड के वे में चेंज किया था और जिसको हमने डिफाइंड किया था विद द रूल्स एंड देन वी डिकोड विद क्वेश्चन एंड फोर्थ इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सब्सटीट्यूशन कोडिंग में क्या था बच्चे जिस इसमें हम किसी भी नेम को प्लेस को किसी और नेम से डिफाइंड करते हैं इसमें हमने किस टाइप्स के क्वेश्चन किए थे हमने इस टाइप में क्वेश्चन किया था ब्लू मीन्स रेड रेड मीन्स येलो जस्ट लाइक दैट एंड अवर फिफ्थ इज डेस्फ्रिंग कोडिंग बच्चे डेस्फ्रिंग कोडिंग में क्या होता है मिक्स्ड कोडिंग इसके अंदर नंबर्स लेटर्स सिंबल्स सब का यूज होता है और इसके अंदर क्या होगा जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस होते थे हम वन बाय फर्स्ट को अगर हमारे पास कोई कोड है जस्ट लाइक like हमने एक क्वेश्चन किया था ल्यूट ल्यूट को हमने क्या डिफाइंड किया था म्यूट ल्यूट को हमने क्या डिफाइंड किया था म्यूट तो हमने क्या चेक किया था कि फर्स्ट वन वाले को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया था ऐसे किया था ना सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ कंपेयर थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर और फोर्थ को फोर्थ के साथ कंपेयर हमने ऐसे ही किया था जो कि हमारा लेटर कोडिंग में था कि ल्यूट को हमने म्यूट लिखा है तो हमने क्या किया था एल को एम के साथ कंपेयर किया था और यू को यू टी एंड टी एंड ई फर्स्ट वन बाय वन हमने फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ कंपेयर किया था अब बच्चे इसके अंदर जस्ट इसका अपोजिट होगा डेस्प्रिंग कोडिंग में क्या होगा जैसे कि हमारा एल है हम एल को ऐसा नहीं होगा इसको हम कंपेयर एम के साथ ही कर सकते हैं हमें इसमें ऑप्शनली अगर M के साथ इसके साथ कोई भी सीरीज या कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है तो L को हमें U के साथ भी कंपेयर करना पड़ सकता है L को T के साथ भी कर सकते हैं L को E के साथ भी अगर कोई लॉजिक लग रहा है तो तो कोडिंग इज द अपोजिट ऑफ दैट इन विच वी मेक अ रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द कोड थ्रू अवर क्वेश्चन सो वो क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डेस्फरिंग इज देखिए In a certain language, one two three means bright little boy. One two three को क्या कोड दिया गया है Bright little boy. Okay, and next is one four five. वन फोर फाइव को क्या कोड दिया गया है वन फोर फाइव मीन्स टोल बिग बॉय वन फोर फाइव मीन्स टोल बिग बॉय ओके अब यहां देखिए सिक्स थ्री सेवन सिक्स थ्री सेवन को क्या कोड दिया गया है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर क्या देम दिया गया है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर और क्या कोड है इसका सिक्स थ्री सेवन देखिए जो हम पहले क्वेश्चन करते आए थे अब उसके अकॉर्डिंग देखो चेक करते हैं वन का कोड क्या हो जाएगा ब्राइट टू लिटल और थ्री का बॉय ठीक है बच्चे ब्राइट का कोड क्या हो गया वन जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग ब्राइट वन लिटल टू एंड बॉय थ्री ओके ठीक है अब देखिए देखिए नेक्स्ट टाइम का means, टोल का कोड हो गया वन बिग का हो गया फोर और बॉय का हो गया फाइव अब यहां देखिए ये जो ब्राइट है ब्राइट का कोड भी वन और टोल का कोड भी वन ये तो रोंग हो गया तो ये लॉजिक तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ देखिए ब्राइट का कोड भी वन और टोल का कोड भी वन तो यहाँ पर तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ कि जो हम कंटिन्यू कर सकें जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर हमें कंपेयर वन और मोर देन से भी कंपेयर करेंगे ओके अब यहाँ देखिए सिक्स थ्री सेवन मीन्स ब्यूटिफुल का कोड सिक्स लिटिल का कोड थ्री और फ्लावर का कोड Seven, और हमें इसके अंदर क्या find करना है, लैंग्वेज मीनस ब्राइट कि जो यहाँ पर ब्राइट है देखो यहाँ पर ब्राइट है ना ब्राइट का डिजिट कौन सा है अब ब्राइट का डिजिट यहाँ पर वन है लेकिन वन तो यहाँ टोल का भी है तो वन बाय वन हमें सभी नंबर्स को अरेंज करके अकॉर्डिंग टू दैट कोड हमें क्या फाइंड करना होगा जो उनका रियल डिजिट है बिकॉज ये तो रियल डिजिट है ही नहीं क्योंकि ब्राइट का कोड भी वन है और टोल का कोड भी वन है तो हमें इनको डिफ्रेंशिएट करके इनके डिफरेंट डिफरेंट कोड हैं वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अब देखिए हमारे पास जो लेटर है यहाँ पर फर्स्ट में ब्राइट लिटिल बॉय इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कॉमन वर्ड फाइंड आउट करेंगे और कॉमन लेटर फाइंड आउट करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा देखिए पहले हम यहाँ पर ये टू लाइंस लेते हैं ओके okay? सबसे पहले इन टू लाइंस में जो हमारा कॉमन वर्ड है क्या है कॉमन वर्ड कॉमन वर्ड फाइंड आउट करेंगे देखिए कॉमन वर्ड कौन सा है यहाँ पर बॉय कौन सा कॉमन वर्ड है यहाँ पर बॉय है और अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन कोड कौन सा है देखिए वन टू थ्री वन फोर फाइव जो रिपीट हो रहा है वन हो रहा है रिपीट तो इसका मतलब बॉय का कोड वन होगा बॉय का कोड One होगा देखिए जो वर्ड इन दो में रिपीट हो रहा है और कोड भी रिपीट हो रहा है पहले हमने वर्ड देखा कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है बुआई आ रहा है दो बार तो हमने बुआई लिख दिया फिर हम देखेंगे कोड कौन सा है जो रिपीटेड है वन कोड है तो बुआ का कोड इसका मतलब बुआ का कोड क्या हुआ हमारा वन हुआ अब हम इन टू लाइंस में देखेंगे कि हमारा कॉमन वर्ड कौन सा देखिए टोल बिग बॉय ब्यूटीफुल लिटल फ्लावर देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है देखिए टोल यहां कहीं टोल नहीं है बिग बिग भी नहीं है बॉय बॉय भी नहीं है नहीं है ना कॉमन तो फिर हम इनको नहीं लेंगे अब देखिए पहले हमने फर्स्ट और सेकंड में चेक किया फिर सेकेंड और थर्ड में चेक किया अब हम किस में चेक करेंगे फर्स्ट और थर्ड में चेक करेंगे किस में चेक करेंगे फर्स्ट में और थर्ड में देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है देखिए यहाँ पर लिटल है और यहाँ पर भी लिटल है मिल गया हमें कॉमन वर्ड इन दो में तो हमारा जो सेकेंड हमें फर्स्ट और थर्ड लाइन से वर्ड मिला वो क्या मिला लिटल ओके okay, अब हम इन दोनों में कॉमन क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हमने वर्ड कॉमन फाइंड आउट किया अब सबसे पहले हम नंबर फाइंड आउट करेंगे देखिए यहाँ पर है हमारे सिक्स थ्री सेवन यहाँ पर वन टू थ्री तो इनमें कॉमन क्या है यहाँ पर भी थ्री है यहाँ भी थ्री है तो क्या कॉमन हुआ थ्री तो लिटल का क्या कोड हो जाएगा थ्री हो जाएगा ओके अब देखिए अब हम अपने आंसर के बिल्कुल नजदीक है बच्चे विच डिजिट इन द लैंग्वेज मीन्स ब्राइट ब्राइट में इसमें क्या कोड होगा देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन है बेटे देखिए ब्राइट लिटल बॉय यही हमारी फर्स्ट लाइन है और देखिए बॉय और लिटिल का कोड तो हमें मिल गया बॉय का कोड क्या है वन और लिटिल का कोड क्या है थ्री है अब देखिए अब जो ये हमारे पास तीन है ना कोड तो इन तीनों में से ही कोई होगा वन टू थ्री में से ही इनका बस यूँ है कि अरेंजमेंट नहीं वो अरेंजमेंट हमने इनको कनेक्टिविटी से अपना अरेंज करके बॉय का कोड वन फाइंड आउट किया और लिटिल का कोड थ्री फाइंड आउट किया बॉय का कोड हमने वन लिख दिया लिटिल का कोड हमने थ्री लिख दिया अब देखिए इस वन टू थ्री में से वन तो हो गया बॉय का थ्री हो गया लिटिल का क्या रह गया रह गया तो मींस ब्राइट का कोड क्या होगा टू होगा ब्राइट का का क्या क्या होगा 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 जो कि हमारा आंसर है अगेन देखिए जस्ट हमें यहाँ लिटिल बॉय बट जब हमने इसको लॉजिकली अरेंज किया वन मीन्स ब्राइट टू मीन्स लिटल एंड थ्री मीन्स बॉय तो फिर बच्चे यहाँ पर हमारी रिपीटेशन हो रही है और रिपीटेशन भी इस तरह से हो रही है कि वन को तो उसने यहाँ ब्राइट बोल दिया और वन को ही उसने यहाँ टोल बोल दिया तो इस तरह से नहीं होगा तो हमें इसे दो टू टू लाइंस को अरेंज करके सबसे पहले हम कॉमन वर्ड फाइंड आउट करेंगे उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे कॉमन जो हमारा कोड है वो फाइंड आउट करेंगे इन दोनों में जो हमारा कॉमन आया वो क्या आया बॉय और जो कॉमन लेट सॉरी नंबर है वो क्या आया वन तो बॉय का क्या हो गया वन और फिर जब हमने सेकेंड और थर्ड को करा कनेक्ट तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया फिर हमने क्या किया फर्स्ट और थर्ड को फर्स्ट और थर्ड के लिए क्या को मनाया थ्री और क्या लेटर को मनाया लिटल तो इट मीन्स लिटल का कोड क्या होगा थ्री और वेन वी अरेंज अवर फर्स्ट लाइन ब्राइट लिटिल बॉय दैट ब्राइट लिटिल बॉय एंड राइट कोड ऑफ बॉय इज वन एंड लिटल इज थ्री एंड द रिमेनिंग इज टू द कोड ऑफ ब्राइट इज टू एंड आवर आंसर इज द कोड ऑफ कोड ऑफ ब्राइट इज टू ओके बच्चे देखिए इस तरह से अब हमने उसने क्वेश्चंस में हमें ब्राइट का पूछ रखा है इसी फॉर्म में हमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो हमसे पूछ सकता है बॉय का कोड क्या है बॉय का कोड हमने फाइंड आउट किया वन है लिटल का कोड क्या है लिटल का कोड थ्री है तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर रिपीटेशन हो रही है और कहाँ पे सेम लॉजिक नहीं लग रहा है तो हम उसे अरेंज सबसे पहले अरेंज करेंगे और उनका एक कॉमन कोड फाइंड आउट करेंगे ओके एंड अब वो नेक्स्ट टाइप देखिए मैंने आपको बताया था कि डेसिफरिंग कोडिंग इज ऑल्सो कार्ड अ मिक्सड कोडिंग डेसिफ्रिंग कोडिंग में हम नंबर सिंबल और लेटर्स सबका यूज करेंगे तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल पेन पेंसिल को क्या कोड दिया है हैश एंड परसेंटेज एंड इरेजर शार्पनर इरेजर शार्पनर को क्या हमने सिंबल दिया है एट द रेट ऑफ एंड डॉलर एंड अनदर पेंसिल इरेजर पेंसिल इरेजर को क्या दिया है हैश और एट द रेट ऑफ ठीक है अब बच्चे हम अपने वही स्टेप फॉलो करेंगे सबसे पहले तो हम चेक करेंगे देखिए पेन का क्या है यहां पर हैश और पेंसिल का क्या है यहाँ पर एट द रेट ऑफ अब देखिए पेंसिल का यहाँ पर परसेंटेज है ना और पेंसिल का यहां पर क्या है हैश है तो ये तो नहीं हुआ ना तो हमें जस्ट सबसे पहले टू लाइंस को लेकर जो जो टू भी हमारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनको कनेक्ट करके हम जो कॉमन लेटर एंड कॉमन वर्ड फाइंड आउट करेंगे ओके अब देखिए यहां पर देखिए पेन पेंसिल और इरेजर शार्पनर इन दोनों में तो कोई वर्ड कॉमन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे सेकंड और थर्ड को लेंगे जब हमने सेकंड और थर्ड को लिया तो देखिए यहां पर क्या कॉमन आ रहा है इरेजर और इरेजर ओके okay, क्या कॉमन आया यहां पर इरेजर और इरेजर में और यहां पर इन दोनों में जो सिंबल है वो कौन सा कॉमन है एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ तो इट मीन्स हमें हमारा फर्स्ट सिंबल मिल गया है जो इरेजर का सिंबल है वो क्या है एट द रेट ऑफ ओके अब हम क्या करेंगे फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे फर्स्ट को थर्ड के साथ जब हम फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें पेंसिल और पेंसिल कॉमन आ रहा है तो इसमें फर्स्ट और थर्ड के साथ कंपेयर करने में हमारा कॉमन क्या आया पेंसिल और फर्स्ट और थर्ड के सिंबल में ही देखेंगे सिर्फ फर्स्ट और थर्ड के सिंबल में देखेंगे कि क्या कॉमन है देखिए फर्स्ट में हैश और थर्ड में भी हैश तो यहाँ पर पेंसिल का हमें जो सिंबल मिल गया वो क्या मिल गया हैश ओके okay, अब जो लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है देन व्हाट इज कोड फॉर पेन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पेन का कोड क्या है देखिए यहां पर हमें जो हमारा फर्स्ट है पेन pen और पेंसिल ये है ना हमारे पास देखिए हमें पेंसिल का तो मिल चुका है पेंसिल का क्या है हैश लेकिन अब देखिए पेन फर्स्ट में ही है तो इट मीन्स यहाँ पर देखिए दो ही है पेन पेंसिल फर्स्ट का हैश और सेकंड का परसेंटेज तो अगर हमारे पास पेंसिल का हैश है तो इट मीन्स पेन का क्या होगा परसेंटेज होगा तो पेन का कोड क्या है परसेंटेज ओके देन अवर आंसर देन व्हाट इज द कोड फॉर पेन द कोड फॉर पेन इज परसेंटेज बच्चे इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के कर सकते हैं जैसे देन आई वुड आक्स टू का क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कोड ऑफ इरेजर दैट वी फाइंड फर्स्ट द कोड ऑफ इरेजर इज एट द रेट ऑफ एंड वट इज द कोड फॉर पेन्सिल दैट इज दैश एंड वट इज द कोड फॉर पेन परसेंटेज तो इसमें आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरेजर का कोड क्या है पेंसिल का क्या है पेन का क्या है अब देखिए हमारे पास यहाँ पर शॉपनर रह गया देखिए अब हम अगर शॉपनर का कोड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो शॉपनर का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए जो इरेजर और शार्पनर इरेजर का हमें फाइंड आउट हो गया कि इरेजर का कोड एट दी रेट ऑफ है तो इट मीन्स यहाँ पर शॉर्पनर रह गया का कोड क्या होगा dollar okay then we find that so students you have to practice of all these types of coding and decoding thank you have a nice day